ओके स्टूडेंट्स, तो बिजनेस मैनेजमेंट, वैसे तो मेरा मोटिव ये था कि आपका सारा का सारा रिवीजन का लेक्चर एक ही में रिकॉर्ड हो जाए, बट बिजनेस मैनेजमेंट अपने आप में, बिजनेस मैनेजमेंट टू अपने आप में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को कवर किए हुए, तो एक लेक्चर रिवीजन का पार्ट वन जो इससे पहले हमने पढ़ा वो अपलोड हो चुका है। जल्दी से चलते हैं पार्ट टू की तरफ, थ्री पार्ट में ये रिवीजन खत्म हो जाएगा। पार्ट टू हमारा बात करता है, रिवीजन पार्ट टू बात करता है डायरेक्टिंग, डायरेक्शन, व्हाटएवर, उसके बारे में। यहाँ पे आपको तीन चीज़ें पढ़ लेनी है स्टूडेंट्स। द फर्स्ट इज मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्टिंग? देन द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग एंड आफ्टर दैट इम्पॉर्टेंस वगैरह। तो ऐसी चीज़ें हैं कि तुम अगर इम्पॉर्टेंस और फीचर को इंटरचेंज करके लिख देते हो तो भी कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट वी हैव थ्री एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग इन योर सिलेबस। ऑल दो ओरेकल के स्टूडेंट्स ने चार एलिमेंट्स पढ़ रखे हैं, पर उनमें से एक एलिमेंट आपके सिलेबस से कट आउट हो चुका है, द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। सो आफ्टर कवरिंग द फीचर्स यू विल बी सीइंग द मोटिवेशन, द सुपरविजन एंड लीडरशिप। एंड विद दैट बीइंग सेड, हमारा इसका रिवीजन भी खत्म होता है। चलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद इट। हैव अ लुक एट इट एवरीवन, डोंट लुक एट योर कॉपीज, लेक्चर पे फोकस करो, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? इन वेरी सिंपल वे, टू डायरेक्ट समथिंग, टू गिव गाइडलाइन, टू पॉइंट एट समथिंग। हम अगर बात करते हैं सूरज किस दिशा में उगता है, इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स द पॉइंटिंग आउट ऑफ समथिंग। पॉइंटिंग नॉट पॉइंटिंग आउट, एक्चुअली पॉइंटिंग टूवर्ड्स समथिंग। डायरेक्शन मीन्स व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल रिगार्डिंग वर्क, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन, फॉलोअप, एनीथिंग। आपके पास कोचिंग के जो नोट्स अवेलेबल हैं उनमें से मैंने कीवर्ड छांट के लिखा है कि गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन कैन ऑल्सो फ्लो। लाइफ में कभी कभी जब आप डीमोटिवेट हो जाते हैं तो 6 साल का एक बच्चा आपके पास आएगा, आपको मोटिवेट करेगा। नॉट पॉसिबल। कैसा लगेगा सोचो? तुम क्लैट, मान लो क्लैट सीए किसी की तैयारी कर रहे हो एंड यू फील लाइक मैन दिस इज सो हार्ड, मेरा निकलेगा नहीं। और तुम्हारा एक छोटा सा नेफ्यू है, नीज है 6-7 साल के, एंड शी कम्स टू यू या ही कम्स टू एंड टेल्स यू, नहीं नहीं करो दीदी, दीदी नहीं बुआ लगोगी फिर तुम उसकी, नहीं नहीं करो करो तुम कर लोगे, तुम पे बहुत कॉन्फिडेंस है, मुझे सब छोड़ो, तुम बोलोगे इस पे कुछ तो आ गया है, इसका पहले झाड़ फूक करवाओ, ये कैसी बात कर रहे हैं अपने उम्र से 20 साल बड़े लोगों की तरह। तो मोटिवेशन विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल, दिस इज हाउ इट वर्क्स। बोलो इसमें कोई दिक्कत? जब हमने पढ़ा था तो इसको पूरा घिस घिस के पढ़ा था। आते हैं अब फीचर की तरफ। मैंने बोला कि एक ट्रिक दिया कि देखो स्टूडेंट्स, 2-3 फीचर्स तो ऐसे हैं, इनफैक्ट 4 ही हैं, डी वाले को अगर तुम छोड़ देते हो और बी को अगर छोड़ दो, बचा ए। ये तुम इम्पोर्टेंस में भी स्विच कर सकते हो। इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स एक्शन का क्या मतलब है? पहल करना। हमें पता नहीं, मान लो जनरली आजकल के बच्चों को समर कैंप वगैरह होते हैं, समर वेकेशन में जनरली पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्री टाइम में कंप्यूटर सीखने भेज देते हैं। अब एक कंप्यूटर टीचर मान के चलता है कि वो 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे को कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता है, तो वो बताएगा पावर बटन वहाँ है, शट डाउन यहाँ है, रीस्टार्ट यहाँ है, एक्सेल खोलो, पेंट खोलो, ड्रॉ दिस, यूज़ दिस। जब तक वो बोलेगा नहीं, वो स्टूडेंट कुछ करेगा नहीं। कैसे करेगा? क्योंकि उसको करना आता नहीं। तो एक्शन इनिशिएट होती है, एक्शन शुरू ही वहीं से होता है, इट स्टार्ट्स विद इट, इज दैट ओके? टू स्टार्ट द एक्शन यू मस्ट फर्स्ट गिव द डायरेक्शन, हाउ द एक्शन हैज टू बी डन, इज दैट ओके? टेक प्लेस एट ऑल लेवल्स। नॉर्मल घर की ही बात करो, खाना बनाना लड़कियां जनरली अपनी मम्मी से ही सीखती हैं, तो यहाँ पे घर के लेवल पे भी लड़कियां क्यों, अब तो लड़के भी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, तो क्या उनको यूट्यूब देखना? तो भाई वो बाद की बात है, पहली
कुक जो टीचर होती है तुम्हारी, इट्स ए मदर, सो शी विल टेल ये डालो वो डालो, इतने देर तड़को बंद कर दो, प्याज भुनने दो, प्याज दब तेल छोड़ देगा, मसाला भुन जाएगा, ठीक है. Similarly, it is also taking place at the organization. The manager is getting guided by the board of director, then the departmental manager is getting directed by the general manager, and then the supervisor is getting directed by the departmental manager, and then the foremen are being guided by the supervisor. This is how it's work. Continuous process. देखो, direction कभी रुक नहीं सकता. Direction कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि डायरेक्शन एक एम के तरफ अग्रसर होता है. या तो हम वो एम अचीव कर लेंगे या हम नहीं कर पाएंगे. नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी पॉलिसी में बदलाव करेंगे, और इस नई पॉलिसी के अपोर्शन में, नई पॉलिसी के लहजे में अब नया डायरेक्शन शुरू करेंगे, नई तरह से डायरेक्ट करेंगे. और अगर हमने अचीव कर लिया तो वी विल कंटिन्यू विद दैट पॉलिसी एंड वी विल डायरेक्ट आवर एम्प्लॉयज इन द सेम वे. From top to bottom, अभी बताया तुम्हारे 6 साल के नेफ्यू नीज आ जाओ और तुमको लगे मोटिवेट करने, तुम डर जाओगे, रात को सो नहीं पाओगे कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं छोटा सा. इट इज़ ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम समवन सीनियर देन यू, नॉट जूनियर देन यू, इज़ दैट ओके. अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक्स की तरफ, एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप. May I have the notes of motivation, please, students? This one. Thank you. Students, motivation की हम बात करते हैं तो आपकी book के अनुसार केवल दो theory आपके लिए relevant है. सबसे पहले हम बात करते हैं मास्लो की theory की, और फिर हम बात करेंगे हर्ज़बर्ग की थ्योरी की. हर्ज़बर्ग की थ्योरी काफ़ी छोटी है, बस सुनिए और आप समझ जाएंगे. स्टूडेंट्स, मास्लो की थ्योरी यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए, आई विल रिक्वेस्ट द एडिटर टू पुट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास्लो थ्योरी. मास्लो की थ्योरी में जो सबसे टॉप पे दिखता है आपको वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, और सबसे बॉटम में आपको दिखता है फिजियोलॉजिकल नीड. और इसके बीच में 3 स्टेप्स आपने और बनाए हैं. फिजियोलॉजिकल नीड इज़ द 1, देन 2, देन 3, देन 4, एंड द लास्ट वन इज़ द 5th one. लेट्स टॉक अबाउट फिजियोलॉजिकल नीड स्टूडेंट्स. फिजियोलॉजिकल नीड आर द बेसिक नीड, फूड, शेल्टर, क्लोदिंग, वाईफाई. बिल्कुल ज़रूरी है वाईफाई. रह पाओगे तुम लोग एक भी दिन नेट के बिना? अरे तुमको नहीं बताया, मास्लो ने नहीं बताया था, क्योंकि मास्लो को पता नहीं था. वाईफाई मत लिख के आना, जस्ट जो. तो द बेसिक नीड्स आर रेफर्ड टू एज फिजियोलॉजिकल नीड्स, द फूडिंग, क्लोदिंग, शेल्टर. ये बेसिक नीड्स होते हैं एक इंडिविजुअल के. जब इन नीड्स को कंप्लीटली हम फुलफिल कर लेते हैं, देन वी मूव अ स्टेप फर्दर टू द सेकेंड, एंड दैट इज़ द सिक्योरिटी नीड्स. सिक्योरिटी नीड्स का मतलब है एम्प्लॉय अगर उस पोजिशन पे है तो उसको एक सिक्योरिटी चाहिए कि उसको कभी भी आके कोई भी उसकी पोजिशन से नहीं हटा देगा. उसको एक सिक्योरिटी चाहिए कि दैट एम्प्लॉय इज़ वर्किंग विथ गुड पीपल, राइट पीपल, एंड ही इज़ सेफ फॉर हिज लाइफ. सिंपल है. That employee needs security to ascertain that उसकी income कभी रुकेगी नहीं, monthly उसको उसकी income की प्राप्ति होती रहेगी. So we have been counterported with the second one. Now moving on to the third one. Look at it, and that is social need. यहाँ पर हम बात करते हैं acceptance के बारे में, affection के बारे में. सोसाइटी में अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसका नाम अच्छा है, तो आपकी एक एक्सेप्टेंस रहेगी कि ओ दिस इज़ मिस एक्स वाई एंड शी वर्क्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन. बट लेट्स टॉक अबाउट सम ऑर्गेनाइजेशंस वेयर इट इज़ नॉट अ वेरी गुड रेपुटेशन. आपका ऑर्गेनाइजेशन किडनैपिंग का रैकेट चलाता है, आपको लोग सोशल इवेंट्स में बुलाना ही छोड़ देंगे, किसका बच्चा कब उठा लेंगे इंसान. सो द थर्ड वन इज द नीड ऑफ बींग एक्सेप्टेड, ऑफ बींग चेरिश्ड, एंड ऑफ बींग फीलिंग अप्रिशिएटेड.
The fourth one is esteem needs. Esteem का क्या मतलब होता है? Esteem का मतलब होता है स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट. अब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा egoistic बनने लगेंगे एंड वी विल स्टार्ट सीइंग, अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन को इतने साल दिया सो नाउ आई डिजर्व प्रमोशन, नाउ आई डिजर्व समथिंग न्यू. एंड द लास्ट वन, द मोस्ट टॉप वन इज एक्चुअलाइजेशन नीड, जहाँ पे ग्रोथ होती है, सेल्फ फुलफिलमेंट होती है और कभी कभी एक इंडिविजुअल इतना भी कमा ले जाएगा कि वो उतने पैसे को लेके अब अपना कुछ शुरू करने के लिए कॉन्फिडेंट फील करे. सो दे मे लीव द ऑर्गेनाइजेशन बट विद अ वेरी गुड इमेज. They may take retirement from the organization. This is where the individual is feeling competent enough कि वो बाहर के वर्ल्ड में अपनी recognition बना सकता है. ये बोला था किन्होंने? मास्लो ने. बात करते हैं हर्ज़बर्ग के बारे में. बड़ी छोटी सी थ्योरी दी हर्ज़बर्ग ने. अच्छा किया, तुम लोग परेशान हो जाते. See what did हर्ज़बर्ग said, students have a look at your notes. हर्ज़बर्ग ने कहा था कि भाई देखिए ये जो थ्योरी है ना, ये टू फैक्टर होनी चाहिए. सो रिमेंबर दिस, हर्ज़बर्ग इंसिस्टेड ऑन टू फैक्टर थ्योरी. एंड व्हाट वर द टू फैक्टर्स? इट शुड बी फैक्टर्स एक्चुअली. एंड व्हाट वर द टू फैक्टर्स ऑफ हिज थ्योरी? मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी. व्हाट डज दिस मीन? सी मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी मीन्स दैट यू सी स्टूडेंट्स, आप खुद, आपके पेरेंट्स खुद आपको किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन नहीं कराएंगे जहाँ पे टीचर हंटर लेकर आता हो. ऐसे स्कूल में एडमिशन नहीं कराएंगे जहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी ना हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी ना हो, लाइट इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी ना हो. मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी थोड़ी सी और मॉडर्न थी. मास्लो की थ्योरी जो रिलेट करती है, इट वॉज अ लिटिल बिट रिडंडेंट वेन वी कम टू सी इन रेफरेंस टू द टाइम्स विच आर करेंटली, बट इनकी थ्योरी अभी भी बड़ी रेलिवेंट लगती है. ही सेज कि देखो, केवल एक एम्प्लॉय को सैलरी देना काफ़ी नहीं है, वो एम्प्लॉय के पास कोई वजह होनी चाहिए कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में वो कंटिन्यू करे और किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ना ज्वाइन करे. तो ये कहला गया मोटिवेशन. एंड हाइजीन, एम्प्लॉय के साथ हाइजीन का मतलब व्यवहार से भी है. उसके साथ सही व्यवहार हो, उसको कंडीशंस जो काम करने की उसकी वर्किंग कंडीशंस हो वो 100% एक्यूरेट हो. इज दैट ओके? मोटिवेशन बस इतना था. चलो बढ़ते हैं हम सुपरविजन की तरफ. सुपरविजन में कोई स्पेशल नोट्स बनवाए थे मैंने स्टूडेंट्स? हैव अ लुक एट इट, लुक एट दैट वन. या सुपरविजन में वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. देयर वर समथिंग? ओके, देयर वर ओनली डेफिनेशंस दैट यू हैव रिटन. सो लेट्स सी सुपरविजन. शो मी. ये जो आपको कल ग्रुप में नोट्स मिला था इसमें कुछ है? व्हाट इज दिस वन? किसका इंपॉर्टेंस है ये? ओके, मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस है. एक स्टूडेंट के पास है जो हमने कल ग्रुप में भेजा था. सी एवरीवन हैव लुक एट इट. मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस है, इट इज प्रोसेस एक्चुअली, इट इज नॉट इंपॉर्टेंस. मोटिवेशन का प्रोसेस है तो पढ़ लेते हैं. तुम लोगों को ग्रुप में भेजा गया था. द फर्स्ट वन इज, what is the process of motivation? motivation शुरू क्यों होता है? motivation में सबसे बड़ी problem आती है एक employee की unsatisfied need. उसकी salary हो सकती है, उसके साथ क्या क्या बर्ताव हो सकता है, उसको उसके salary के according उसका मेहनत ज़्यादा लग रहा है, तो unsatisfied need. then there'll be tension building up. ये किसी book में नहीं है, student से coaching के notes में है बस. there'll be tension building up with the employee. एम्प्लॉई परेशान है, किया क्या जाए, ऑर्गेनाइजेशन में रहा जाए या छोड़ा जाए. नाउ दिस इज वे ड्राइव्स कम इन. ड्राइव्स का मतलब है जब व्यक्ति टेंशन में होता है. समझदारों ने कहा है कि टेंशन में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी का होता है. मगर व्यक्ति टेंशन में होता है उसको कोई समझदारी नहीं दिखती है. तो ड्राइव्स विल बिकम द इंस्पिरेशन कि अब वो अपने टेंशन पर एक्ट करने लगेगा. ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द थिंग्स ही आर थिंकिंग.
After that, drives के बाद we have this search behavior. Search behavior मतलब now he will start searching for other organizations. He will start searching for other organizations जो उसको same position, same काम के लिए अच्छी payment और एक अच्छा there is a word prestige build करके देंगे. After that, it is satisfied need. That's all. उसकी नीड जिस ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई होगी. वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोटिवेशन थ्योरी घातक है, क्योंकि इसका तो सीधा सीधा अर्थ ही हो गया कि एक बार एम्प्लॉई की अगर डिमांड मीट नहीं होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा सकता है. लेट्स हैव अ लुक एट सुपरविजन. स्टूडेंट्स, बच्चों, सुपरविजन का अर्थ, क्लास लंबी जा रही है, अगर आप लोगों को घर पर इन्फॉर्म करना हो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि क्लास अभी लंबी चलेगी. सुपरविजन की हम बात करते हैं. सुपरविजन का अर्थ क्या होता है? सुपरविजन बहुत सिंपल सा है, डेफिनेशन पूछा जाएगा, आपने नोट्स में लिखा है, जल्दी से मैं रिवाइज करवा देती हूँ. सुपरविजन का अर्थ ये होता है दैट द सबॉर्डिनेट विल बी सुपरवाइज्ड, ही और शी विल बी टेकन केयर ऑफ वाइल दे आर वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, की वो काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है. एक समय के बाद सुपरविजन बंद हो जाता है जब एम्प्लॉई अभ्यस्त हो जाता है. सुपरविजन वैसे करना ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी एम्प्लॉयज़ कंपनी में फ्रॉड भी कर सकते हैं, तो देर ऑलवेज इज़ अ सुपीरियर. सुपरविजन इज डन बाय अ सुपीरियर, सो देर ऑलवेज इज अ सुपीरियर हु विल बी सुपरवाइजिंग दैम. एंड कमिंग टू द लास्ट वन, लीडरशिप. लीडरशिप के बारे में हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट देम. स्टूडेंट्स, लीडरशिप के नोट्स आपके सामने बोर्ड्स पे, बोर्ड पे, बोर्ड्स क्या होता है, बोर्ड पे, एक ही बोर्ड हैव अ लुक एट इट. लीडरशिप मीनिंग आपके पास जो नोट्स है कोचिंग के ग्रुप में पहुंचा है, उसी के पूरे नोट्स में से मैंने मेन जो कीवर्ड है वो निकाल लिया. इन्फ्लुएंस अदर्स, यू आर हियर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स. एनी पर्सन, ऐसा कोई भी व्यक्ति लीडर कहला सकता है. गिव मी द रेड वन. ऐसा कोई भी व्यक्ति लीडर कहला सकता है जिसके अंतर्गत किसी को इन्फ्लुएंस करने की प्रॉपर्टी हो. हम दूसरों पे प्रभाव डाल सकते हैं. अपनी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी कोई व्यक्ति है अगर ही हैज़ दी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, और साथ ही साथ चीज़ों को मैनेज करने की भी क्वालिटी हो. घर की लीडर हमेशा मम्मी लोग ही होती, क्यों? बिकॉज शी इज़ ऑल्सो मैनेजिंग, और उनके आगे कोई कुछ बोले हिम्मत नहीं. घर में ग्लास तुमसे टूट जाए 100 गालियाँ खाओगे, ग्लास मम्मी से टूट जाए मम्मी बोलती कौन रख के गया इधर, तो भी तुम ही गाली खाओगे. जिसके सामने तुम्हारी बोलने की औकात ना हो ना बच्चों, रफ टर्म्स में समझो, वही तुम्हारा लीडर है. वेरी गुड. स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप पे आते हैं. स्टूडेंट्स, तीन स्टाइल हैं. अथॉरिटेटिव, बच्चे कह रहे मैम और तो ऑटोक्रेटिक है, मैं कह रही भाई सेम है. डेमोक्रेटिक, जिसे पार्टिसिपेटिव भी कहते हैं, और फ्री रेन, रेन नहीं रेन, REIN, जिसे हम लेसेस फेयर भी कहते हैं. सो हैव अ लुक एट इट. मैंने लीडरशिप के स्टाइल ड्रॉ कर दिए, मस्ती में मैंने नहीं ड्रॉ किए हैं, कल के पेपर में सब बना के आना है तुम्हें अगर लीडरशिप पूछा जाता है. अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिव में लीडर बोलता है और ये S1, S2, S3, S4 कौन है? सबॉर्डिनेट. सबॉर्डिनेट सुनते हैं, अपना ज्ञान देने का उनको जरूरत नहीं होता. लीडर बोला कि इधर से कूदो तो कूदो. मतलब ये बुक में BST की जो किताब है 12th की, उसमें हिटलर का नाम लिया गया है. मतलब यहाँ पे डिक्टेटरशिप, आपको तानाशाही देखने मिलती है. पूरी तरह से कंट्रोल एक पर्सन के हाथ में है, कोई अगेंस्ट नहीं बोल सकता, कोई खिलाफ नहीं बोल सकता. पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक स्वभाव आप देख रहे हैं. पार्टिसिपेटिव शब्द से भी समझ में आ रहा है, सबसे बेस्ट यही होता है कि यहाँ पे लीडर इज फ्री टू टेक सजेशंस फ्रॉम दी सबॉर्डिनेट. देर इज अ म्यूचुअल हार्मनी ऑफ रिलेशंस एंड सजेशंस बिटवीन दी लीडर एंड सबॉर्डिनेट, एंड दे आर विलिंग टू एक्सचेंज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन. जनरली ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है. और अंतिम बात करते हैं, जैसे ये
नेगेटिव में लीडर की तानाशाही का एक्सट्रीम है, तीसरा वाला सबॉर्डिनेट की फ्रीडम का एक्सट्रीम है। यहाँ पे लीडर बैठा हुआ है, कुछ उसको फर्क नहीं है, सबॉर्डिनेट जो चाहे वो करे। यू सी द चेन इज फ्लोइंग समवेयर, एनी वेयर इट इज फ्लोइंग फ्रॉम S1 टू S4 देन S3 टू S2, लीडर इज सिटिंग क्वाइटली ओवर हियर। ही जस्ट नीड्स द वर्क, जैसे करना है वैसे करो, आपस में लड़ कट के मर जाओ, काम मेरे को करके मरना, इज दैट ओके? दैट्स नॉट ओके यार, मरना, हाउ इज इट ओके? जल्दी से आपके बुक में गिव मी दीज नोट्स, कोचिंग के नोट्स दे दो आपको। अंतिम चीज इस चैप्टर की, रिविजन पार्ट टू की लास्ट चीज आप देख लीजिए, हमने लीडरशिप की भी थ्योरी कर रखी है स्टूडेंट्स, हमने कुछ नहीं छोड़ा है कोचिंग के नोट्स में। सबसे पहली थ्योरी मैंने आप लोग को लिखवाई है, ट्रेट थ्योरी। स्टूडेंट्स, ट्रेट थ्योरी का मतलब ये होता है, चार थ्योरीज हैं लीडरशिप की। ट्रेट थ्योरी बात करती है कि लीडर की हमने 5 या 6 एक क्वालिटी बता दी, ही शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, ही शुड इन्फ्लुएंस नाइसली, पीपल शुड फॉलो हिज ऑर्डर, ही शुड हैव यूनिटी ऑफ कमांड, एंड दैट पर्सन शुड हैव एम्पथी। मान लो ये 5 ट्रेट्स अगर मौजूद हैं तो वो व्यक्ति लीडर बनने के काबिल है। Then we have the second theory जो आप लोगों ने पढ़ी है, behavioral style theory। behavioral style कहता है कि हर लीडर को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि उसको as a leader कैसा बर्ताव करना है, कैसे behave करना है, that is known as behavioral style theory। यहाँ पे training का आप फोकस देखेंगे। कमिंग डाउन टू द थर्ड वन, आपके नोट्स में है सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेने वाला व्यक्ति, सिचुएशनल। दिस इज ऑल्सो द मैनेजीरियल, दिस वन कैन बी सेड एज मैनेजीरियल। बिहेवियरल थ्योरी को मैनेजीरियल थ्योरी कहा जा सकता है। सिचुएशनल थ्योरी मीन्स दैट द मैनेजर इज एबल टू ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। प्लान ए, प्लान बी, ही हैज गॉट एवरीथिंग कवर्ड, एंड द लास्ट इज ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। देखो, सिचुएशनल थ्योरी छोटे मोटे चेंजेस के बारे में बात करता है, बट ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी टॉक्स अबाउट अ वेरी बिग चेंज इन द इकोनॉमी। लॉकडाउन लग गया भाई, लॉकडाउन लग गया इकोनॉमी में, अब क्या करें? अब सारी चीजें ऑनलाइन कर दीजिए, तो दैट्स ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, इसी के साथ लीडरशिप का रिविजन खत्म हुआ। रात होते होते तक बिजनेस मैनेजमेंट 2 के सारे तीनों पार्ट अपलोड हो जाएंगे। दूसरा पार्ट अभी शूट होके ख़त्म होगा, जब तक आप लोग को ये 10 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है, होपफुली अपलोड कर दिया जाएगा। सो अभी क्लास चलेगी 1 घंटे और हम शूट करेंगे हमारा अंतिम लेक्चर।